नाइन नंबर पर आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन। इसके पहले जो हम लोग आठ नाउन पर चर्चा कर चुके हैं, छठे नंबर पर हम लोग पढ़े थे मास कॉमन नाउन, जो ग्रामर के पुस्तक में जल्दी मिलता नहीं है लेकिन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो। ओके, अगर आपका क्लास मिस कर गया हो, क्योंकि इसके पहले आठ जो हम लोग पढ़ चुके हैं, आज तो नौ नंबर है, अगर आपका क्लास मिस कर गया हो तो प्लीज़ लेक्चर ऐप पर भी अपलोड है और यूट्यूब पर भी अपलोड है, वहाँ से अपना क्लास पूरा कर लीजिए। दूसरी चीज़ कि कंपाउंड नाउन का आज हम लोग कंसेप्ट सिर्फ क्लियर करेंगे, इस पर जो भी कॉमन एरर आते हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, तो याद रखना है कि कंपाउंड का मतलब ही होता है मिश्रित, मतलब मिला हुआ, एकत्रित हुआ। मेरे भाषा में जान लीजिए, अपने भाषा में समझ लीजिए कि जब एक से अधिक नाउन मिलकर एक ही नाउन का निर्माण करें, एक ही शब्द का बोध करावे, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब कंपाउंड नाउन बनाने के तीन तरीके हैं जो बाद में हम लोग देखेंगे, यानी कि क्लास के अंत में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे फादर इन लॉ, गौर कीजिए इस पर, तीन शब्द है ना, फादर इन और लॉ। इसीलिए मैं बता रहा था कि कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, कि जब एक से अधिक नाउन इकट्ठा होकर, मिलकर, एकत्रित होकर, कंबाइंड होकर किसी एक शब्द का निर्माण करें, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, फादर मतलब होता है पिता, इन मतलब होता है मे, और लॉ माने होता है कानून, लेकिन तीनों शब्द मिलकर एक ही शब्द का निर्माण करता है। फादर इन लॉ मतलब ससुर, ससुर किसको कहते हैं, फादर ऑफ वाइफ, यानी कि पत्नी के पापा को ससुर कहते हैं। अब इस तरह का जो है हजारों के संख्या में वर्ड आएंगे, जैसे मदर इन लॉ मतलब सास, सास यानी कि मदर ऑफ योर वाइफ, यानी कि आपके पत्नी के माँ को सास कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ। उसी तरह से होता है ब्रदर इन लॉ, ध्यान दीजिए। तो मदर इन लॉ तीन वर्ड है, एक शब्द का निर्माण किया सासू माँ यानी कि सास, और ब्रदर इन लॉ तीन वर्ड है, तीनों वर्ड मिलकर एक शब्द का निर्माण किया यानी कि साला, साला यानी कि ब्रदर ऑफ योर वाइफ। उसी तरह से आता है सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है, सिस्टर माने बहन, इन माने मे, लॉ माने कानून। ओके, सिस्टर इन लॉ का मतलब हो गया, यानी कि तीन शब्द मिल गया और ये निर्माण किया, सिस्टर इन लॉ माने साली, साली किसको कहते हैं, यानी कि सिस्टर ऑफ योर वाइफ, यानी कि आपके पत्नी के बहन को साली कहते हैं। तो तीन शब्द मिला ना, सिस्टर इन लॉ, आ एक ही शब्द का निर्माण किया, जैसे फादर इन लॉ तीन शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण किया ससुर, मदर इन लॉ तीन शब्द मिलकर एक ही शब्द का निर्माण किया मतलब सास, उसी तरह से ब्रदर इन लॉ तीन शब्द मिलकर एक ही शब्द का निर्माण किया साला, तीन शब्द यानी कि सिस्टर इन लॉ तीन शब्द मिलकर एक ही शब्द का निर्माण किया यानी कि साली। ओके, इसीलिए मैंने एक लाइन में बता दिया था कि कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, कि जब एक से अधिक शब्द मिलकर एक ही शब्द का निर्माण करे, एंड दैट इज कॉल्ड नाउन। ओके, नाउन भी होना चाहिए, जैसे पर्सन का नाम होना चाहिए, यानी कि कोई व्यक्ति, वस्तु या जगह होना चाहिए। ओके, कोई वर्ब नहीं होना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में रहे। ओके, चलिए अब जो और भी बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे स्टेप ब्रदर, ध्यान दीजिएगा, स्टेप ब्रदर मतलब क्या होता है, स्टेप मतलब होता है सौतेला, अब ब्रदर माने होता है भाई, तो स्टेप ब्रदर माने सौतेला भाई, तो एक ही शब्द में बना, एक शब्द का निर्माण किया लेकिन यहाँ है दो शब्द, स्टेप प्लस ब्रदर, तो स्टेप सिस्टर हो जाएगा, स्टेप मदर हो जाएगा, स्टेप फादर हो जाएगा, इस तरह से बनते चला जाएगा, स्टेप सन हो जाएगा, स्टेप निफ्यू हो जाएगा, स्टेप नीस हो जाएगा, तो बहुत सारे वर्ड बनेंगे। ओके,
चले इसी तरह से जो है कमांडर इन चीफ हो जाएगा, जैसे क्लास रूम, तो क्लास अलग है और रूम अलग है, लेकिन दोनों मिलकर एक ही शब्द का निर्माण करता है वर्ग। वैसे अलग अलग देखिए क्लास और रूम तो अलग अलग वर्ड है, लेकिन क्लास रूम मतलब वर्ग जहां पढ़ाई होती है बच्चों की। ओके, उसी तरह से बेडरूम, बेडरूम हो गया, गेस्ट रूम हो गया, तो एक से अधिक वर्ड मिल रहा है ना और एक ही शब्द का निर्माण कर रहा है। जैसे वाटर बोतल, जैसे टूथपेस्ट, फुटबॉल, देख रहे हैं ना, फुटबॉल, बस स्टॉप, बस स्टॉप समझते हैं ना, जहाँ बस रुकती है। तो क्या हो रहा है, एक से अधिक वर्ड मिलकर एक ही शब्द का निर्माण करा रहा है। जैसे बस स्टॉप, फुटबॉल, दो वर्ड है लेकिन एक ही शब्द का निर्माण करा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। ओके, यानी कि फिर एक बार जान लीजिए कि एक से अधिक शब्द मिलकर एक ही शब्द का निर्माण करें, एक नए शब्द का निर्माण करें, डेट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। ओके, अब इसमें दो तरह से कॉमन एरर हमारे एग्जाम में पूछते हैं कि कंपाउंड नाउन का प्लुरल कैसे बनता है और इसका जो है केस कैसे बनता है, जो हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, कल के क्लास में सीखेंगे, जो हमारे एग्जाम में पूछता है। आज हम सिर्फ क्या कर रहे थे कि कंपाउंड नाउन का कंसेप्ट क्लियर करा रहे थे। तो मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं। एक से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करें, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, स्टेप ब्रदर, क्लासरूम, बेडरूम, वाटर बोतल, फुटबॉल, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ये सब आता है इसी में। ठीक है, जैसे एयरपोर्ट, तो दो वर्ड है एयर और पोर्ट, लेकिन दोनों मिलकर जो है एक ही शब्द का निर्माण करता है। उसी तरह से रेलवे स्टेशन, ये एक ही वर्ड है लेकिन अलग अलग वर्ड है, रेलवे अलग, स्टेशन अलग, लेकिन दोनों मिलकर एक ही शब्द का निर्माण करता है, रेलवे जंक्शन। ठीक है ना, रेलवे स्टेशन। तो इस तरह से जो बहुत सारे जो है वर्ड आते हैं, जैसा अभी मैं बता रहा था कि बेडरूम, गेस्ट रूम, गेस्ट रूम तो छूटिए गया, देखिए यहाँ पर गेस्ट रूम, ये जो है हम लोग मान के चलिए कि जो है हम लोग ग्रुप ए में सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे, ग्रुप ए में हम लोग सीख रहे थे कि कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं। ग्रुप बी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंपाउंड नाउन जो बन रहा है ना, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, स्टेप ब्रदर, क्लासरूम, बेडरूम, टूथपेस्ट, वाटर बोतल, फुटबॉल, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, गेस्ट रूम, स्लीपिंग रूम, जो भी बनता है ना, वर्शिपिंग रूम, ये सब क्या है, ये सब जो है कंपाउंड नाउन है। लेकिन इसका बनाने का जो सिस्टम है वो कितने तरह से बनाए जाते हैं, इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग जो है ग्रुप बी में देखेंगे। ग्रुप बी में ये समझ लीजिए कि हम लोग ये देखेंगे काइंड्स ऑफ कंपाउंड नाउन। काइंड ऑफ कंपाउंड नाउन का मतलब क्या हो गया, यानी कि कंपाउंड नाउन के कितने काइंड से, कितने तरह से जो है कंपाउंड नाउन जो है हम बना सकते हैं। तो याद रखना है कि कंपाउंड नाउन बनाने के तीन तरीके हैं, कितने हैं, तीन तरीके हैं। प
पहला जिस क्लोज्ड क्लोज्ड कंपाउंड नाउन, और दो नंबर पर जान लीजिए हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, और तीन नंबर पर जान लीजिए स्पेस कंपाउंड नाउन। तीनों का कंसेप्ट समझ लीजिए। पहला कह रहा है कि क्लोज्ड कंपाउंड नाउन, तो क्लोज्ड कंपाउंड नाउन को जो है हम सॉलिड कंपाउंड नाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड कंपाउंड नाउन। तो सॉलिड कंपाउंड नाउन यानी कि सॉलिड कंपाउंड नाउन तो है लेकिन कैसे बनाते हैं, क्योंकि काइंड हम देख रहे हैं। दूसरा हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन यानी कि हाइफन लगाकर कंपाउंड नाउन बनाते हैं। स्पेस मतलब होता है जगह, और कंपाउंड नाउन का अर्थ तो अभी मैंने बता दिया है। तो जगह देकर, एग्जाम्पल देखिएगा तो कंसेप्ट क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन जैसे बेडरूम, प्ले ग्राउंड। कंसेप्ट समझ लीजिए, इतने में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो वर्ड है इसमें, बेड और रूम, दोनों क्लोज्ड है। दोनों वर्ड क्या है? क्लोज्ड है, क्योंकि क्लोज मतलब क्या होता है? सटा हुआ। ना कहते हैं कि और क्लोज आइए, और क्लोज आइए, और क्लोज आइए, तो क्लोज मतलब नज़दीक आना। तो यहाँ पर देखिए दो वर्ड, जैसे बेड और रूम एक ही में सटा हुआ है, और बेडरूम का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि बेडरूम किसे कहते हैं, जहाँ पर सोते हैं। चले दूसरा वर्ड कह रहा है कि प्ले ग्राउंड, तो प्ले एक अलग वर्ड है, ग्राउंड एक अलग वर्ड है, और दोनों वर्ड जो है सटा हुआ है। ओके, इसलिए जो है ये दोनों वर्ड क्या कहलाएगा? क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। ओके, मतलब क्लोज्ड है, ये बना है कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन है, लेकिन बनाने का तरीका क्या है? क्लोज्ड, यानी कि क्लोज्ड कंपाउंड नाउन इसे हम कहेंगे। अब कोई पूछे कि क्लोज्ड कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, तो बस बीच से हाइफन हटा देना है, बेडरूम, प्लेग्राउंड, टूथपेस्ट, या जैसे फुटबॉल। एग्जाम्पल इतना काफ़ी है, अगर अर्थ समझ में आ गया हो तो। चलिए, तो फुट और बॉल अलग अलग वर्ड है लेकिन दोनों सटा हुआ है। प्लेग्राउंड अलग अलग वर्ड है, दोनों सटा हुआ है। बेड और रूम अलग अलग वर्ड है, दोनों सटा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि क्लोज्ड कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, या इसी को कहते हैं सॉलिड कंपाउंड नाउन। दूसरा कह रहे हैं कि हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, तो हाइफनेटेड मतलब हाइफन लगा हुआ, इसको क्या बोलते हैं? ये हाइफन है। क्या है? ये हाइफन है। ओके, तो हाइफन लगा हुआ रहेगा, जैसे एग्जाम्पल देखिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे इसी को कह दीजिए बेड रूम, बस स्टॉप। अभी जो एग्जाम्पल दिए थे फादर इन लॉ, कंसेप्ट समझ लीजिए। अब देखिए, बेड अलग वर्ड है, रूम अलग वर्ड है, और बीच में हाइफन लगा हुआ है। बस अलग वर्ड है, स्टॉप अलग वर्ड है, और बीच में हाइफन लगा हुआ है। फादर अलग वर्ड है, इन अलग वर्ड है, लॉ अलग वर्ड है, और बीच में हाइफन लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। चूँकि हाइफन के बारे में हम लोग को पंचुएशन में पढ़ना था, जो हम पढ़ा चुके हैं। ये भी अगर क्लास मिस कर गया हो तो क्लास पूरा कर लीजिए ऐप और यूट्यूब से।
ओके चलिए, तो मेरे ख्याल से दो क्लियर हो गया कंसेप्ट कि क्लोज्ड कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं और हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं। अब तीसरे पर ध्यान दीजिए, तीसरा कह रहा है स्पेस कंपाउंड नाउन। स्पेस का मतलब होता है जगह, ना कहते हैं कि यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ स्पेस नहीं है, या दो वर्ड के बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है, या दो वर्ड के बीच में स्पेस छोड़ देना है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, कंपाउंड नाउन ये भी है लेकिन अलग नाम से जाना जाता है, स्पेस कंपाउंड नाउन। ओके, जैसे मान लीजिए कि लिख दिए आप क्लास रूम, तो बीच में देखिए दो वर्ड है, ध्यान दीजिए, क्लास अलग है, रूम अलग है, बीच में हाइफन नहीं है, क्लासरूम ऐसे लिखा रहता है, प्लेग्राउंड अलग अलग लिखा रहता है, बीच में जो है स्पेस रहता है। ओके, तो ये कहलाएगा क्या चीज़, ये कहलाएगा स्पेस कंपाउंड नाउन। ओके, जैसे अगला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कहा जाए कि बस स्टॉप रेलवे स्टेशन, कंसेप्ट सिर्फ समझ लीजिए। अब देखिए बस अलग वर्ड है, स्टॉप अलग वर्ड है, और दोनों वर्ड मिलकर एक ही वर्ड का निर्माण करता है। बस स्टॉप जहां बस रुकती है, रेलवे स्टेशन दो वर्ड है, सिर्फ स्टेशन कहिएगा तो पता नहीं चलेगा कि आप किस स्टेशन की बात कर रहे हैं, रेडियो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, किस स्टेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग वर्ड हो गया, एक रेलवे और दूसरा स्टेशन, बीच में जो है क्या है, स्पेस है, रेलवे और स्टेशन के बीच में स्पेस है, बस और स्टॉप के बीच में स्पेस है, क्लास और रूम के बीच में स्पेस है। स्पेस यानी कि स्थान है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पेस कंपाउंड नाउन। मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि काइंड्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स में तीन चीज मैंने बताया। पहला बताया कि क्लोज्ड कंपाउंड नाउन या सॉलिड कंपाउंड नाउन, दूसरा हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, और तीसरा स्पेस कंपाउंड नाउन, और तीनों को एग्जांपल के साथ मैंने समझा दिया। अब कोई आपसे पूछता है कि क्लोज्ड कंपाउंड नाउन क्या है, तो आप मेरे ख्याल से बता सकते हैं। हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, आप एग्जांपल के साथ समझा सकते हैं। स्पेस कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, तो आई थिंक जो आप एग्जांपल के साथ किसी को समझा सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आपसे कोई पूछ दे कि कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, तो स्पेशल आप समझा सकते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, स्टेप ब्रदर, क्लासरूम, बेडरूम, वाटर बॉटल, फुटबॉल, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, गेस्ट रूम, बेडरूम, वर्शिपिंग रूम, ये सारा जो है क्या है, कंपाउंड नाउन है। ओके, जैसे रीडिंग, रीडिंग क्या है, कंपाउंड नाउन है। अब वो वर्ब से बन रहा है, चूंकि रीड अलग वर्ड है और आईएनजी एक अलग वर्ड है, चूंकि आईएनजी क्या है, सफिक्स प्रीफिक्स में पढ़ना है, मॉर्फीम एक चैप्टर है, तो मॉर्फीम में सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ना है, तो अंत में जो जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, सफिक्स। अब पहले जो जुड़ जाता है शब्द में उसे कहते हैं प्रीफिक्स। तो रीडिंग, तो देखिए तो ऐसे अगर कह दीजिएगा रीडिंग, तो ये भी क्या है, ये भी जो है कंपाउंड नाउन है, चूंकि रीड एक अलग वर्ड है और आईएनजी जो है एक अलग वर्ड है, तो ये भी कंपाउंड नाउन है। ये वर्ब से बन रहा है, इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कल, जब हम कॉमन एरर पढ़ेंगे कि कंपाउंड नाउन पर किस तरह से कॉमन एरर हमारे एग्जाम में पूछता है। ओके, अंत में मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है संजीव शिवानी, पेशे से राइटर हूँ, लेखक हूँ, बहुत सारे पुस्तकें मैंने लिखी है इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन की। ओके, अभी अभी जो है मेरी एक किट लंच की है मार्केट में, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 books 0 to hero, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने के जादू है, ऑर्डर राइट नाउ, और कॉन्टैक्ट नंबर। ये सचमुच में जो है जितनी भी पुस्तकें इस किट में है सबके सब अपने आप में यूनिक है और अंग्रेजी सिखाने का जादू है।
और रही बात ग्रामर की, जो हमारे एग्ज़ाम में पढ़ना है, कॉम्पिटेटिव ग्रामर कहिए चाहे जनरल ग्रामर कहिए, तो ग्रामर को इसमें जो है इतना आसान बनाया गया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ग्रामर के हर चैप्टर पर मैंने ट्रिक क्रिएट किया है, पोएम क्रिएट किया है, उस पोएम के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से ग्रामर को आसान बना दिया गया है। जैसे अगर आर्टिकल पर कमांड करना हो, आर्टिकल मतलब द के प्रयोग पर, तो एक कविता याद रखना है कि पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग, और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। और यही किट जो है मेरी लिखी हुई नहीं है, बल्कि इसके तरफ बहुत सारी किताबें मैंने लिखी है। जैसे देख रहे हैं ना, ये भी किताब मेरी लिखी हुई है, ये किताब देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी पुस्तकें मेरी लिखी हुई है जो स्पोकन और ग्रामर पर आधारित है। इसलिए मेरा यह पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ग्रामर को कैसे इजी बनाना है, आसान बनाना है। ओके, अब मैं मिलूंगा कहाँ, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये मेरा मिलने का आता पता है, एड्रेस है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, यानी कि संजीव शिवानी मेरा नाम हुआ। मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, जो राजेंद्र बाबू का धरती है, जो प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के बने, उसी जिला का मैं भी रहने वाला हूँ। और मैं बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाता हूँ, फ्री में पढ़ाता हूँ, कोई चार्ज नहीं करता हूँ, इसलिए वेलकम है, आप सब लोग हमसे जुड़िए। ओके, वीकर सेक्शन का जो भी लोग हैं सब लोग हमसे जुड़ जाएं, स्पेशली जो है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मैं एजुकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी हमारे समाज के अंग है। और मुफ्त में गाइड करता हूँ, मैं मुफ्त में पढ़ाता हूँ। चलिए, जब आप मेरे ऐप पर आइएगा तो आपको एक कोर्स मिलेगा, फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। फैमिली पैक क्यों? फैमिली पैक इसलिए कि अगर आपके फैमिली में जो भी बच्चे हैं, जिस तरह के भी बच्चे हैं, हर तरह का इंग्लिश ग्रामर यहाँ अवेलेबल है, इंग्लिश स्पोकन अवेलेबल है, उनका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा, ये सारे कोर्स यहाँ अवेलेबल है, और बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में। बस एंट्री चार्ज ₹1 लगता है, एंट्री चार्ज दीजिए और पूरे बच्चों को पढ़ाइए, पूरे परिवार के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाइए। यूट्यूब से ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। उस किट की जो है पहली किताब है नर्सरी से UKG, यहाँ देखिए कह रहे हैं सिक्स इन वन, इसलिए क्योंकि नर्सरी से UKG तक के बच्चों को 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, और 6 सब्जेक्ट को मैंने स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए इसका नाम है ABBC स्पोकन इंग्लिश नर्सरी टू UKG। 6 कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, SST है, GK है, हिंदी है, इंग्लिश है, ग्रामर है, हर सब्जेक्ट को मैंने स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है 6 in 1। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, और बच्चे जो एकदम जॉली मूड में जो है इंग्लिश सीखते हैं, और फ्राटेदार और नेचुरल इंग्लिश में बात भी करते हैं। चूँकि ऑल ओवर इंडिया मैं लगभग जो है 1000 से ज़्यादा स्कूल को गाइड करता हूँ। ओके, ये जो है बुक नंबर 1 है जो उस किट में आपको मिलेगा, ये रहा जो है बुक नंबर 3, 2 in 1, यानी कि ग्रामर स्पोकन दोनों मिलेगा इसमें। स्पेशली जो है ये बुक नंबर 3 जो है स्ट्रक्चर की बुक है, बुक नंबर 2 ओपन हो गया, ध्यान दीजिए 2 in 1, यानी कि ग्रामर स्पोकन दोनों मिलेगा, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, और ग्रामर पर ध्यान दीजिए जैसे आर्टिकल और वॉइस। इसी की थ्योरी यानी कि इसी के ट्रिक और कविता की मैं बात कर रहा था, यही कविता मैं आप लोगों को बता रहा था किताब पर देखकर कि पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग, और द को लगावें सुपरलेटिव के संग। ये मेरा एक पोएम है, इसको समझ लीजिएगा तो आपका 80% जो है द का प्रयोग खत्म हो जाता है। इस वॉयस को समझ लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावें, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, उसके बाद जो है बाई से मोड़ दें। कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा इस थ्योरी पर जो है आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है बाबू, क्योंकि ग्रामर के हर चैप्टर को मैंने आसान बना दिया है अपने ट्रिक और पोएम से। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे ऐप पर चले आइए या यूट्यूब पर चले आइए, मोस्ट वेलकम। ओके, ये बुक नंबर 2, उसके बाद जो है आ गए यहाँ पर बुक नंबर 4, ध्यान दीजिए 2 in 1, ग्रामर स्पोकन दोनों मिलेगा, और अभी मैं बता रहा था कि बुक नंबर 3 और 4 स्पेशली स्ट्रक्चर के लिए है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के आप इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं, और मैं 2 in 1 स्टडी कराता हूँ,
यानी कि आम के आम और गुठली के नाम, मल्टी स्टडी, ओके, यानी कि मल्टी टैलेंटेड बनिए, यानी कि स्पोकन में पढ़िए और ग्रामर भी पढ़िए, ओके। उसके बाद जो है ये हुआ बुक नंबर 5। सबसे पहले जो है यहाँ ध्यान दीजिए, न्यूज़ हेडलाइंस, क्योंकि अखबार का जो हेडलाइंस होता है ना उसको पढ़कर समझना बहुत कठिन होता है, बट अगर इस किताब में जो है 12 से 13 रूल दिए गए हैं उसे आप पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा अखबार पढ़कर समझना, यानी कि हेडलाइंस का अर्थ निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा मात्र 12 से 13 रूल में, ओके। उसके बाद जो है यहाँ कह रहा है कि न्यूज़ वर्ड्स यानी कि अखबार में जो न्यूज छपते हैं, न्यूज पब्लिश होते हैं, वो हर क्षेत्र के होते हैं, क्राइम से होते हैं, पॉलिटिक्स से होते हैं, बिजनेस से होते हैं, बॉलीवुड से होते हैं यानी कि इंटरटेनमेंट से होते हैं, कोर्ट कचहरी के वर्ड होते हैं, एक्सीडेंट के होते हैं, मिसाप के होते हैं, कहीं सुखार हो गया, कहीं दहार आ गया, कहीं सुनामी आ गई, तो उन सब के भी न्यूज़ जो है पब्लिश होते हैं। तो यहाँ पर जो है न्यूज़ वर्ड्स जो कह रहा है ना, आपको सारे के सारे वर्ड्स को मैंने क्लासिफाइड कर दिया है, यानी कि पॉलिटिक्स का अलग वर्ड है, बिजनेस का अलग वर्ड है, क्राइम का अलग वर्ड है, इंटरटेनमेंट का अलग वर्ड है, कोर्ट कचहरी का वर्ड अलग है, एक्सीडेंट मिसाप का अलग वर्ड है, सुनामी का अलग है, बाढ़ का अलग है, दहार का अलग है, यानी कि कहने का मतलब है कि सारे के सारे वर्ड आपको क्लासिफाइड मिलेंगे, ओके। और मैडम अखबार पढ़ रही है इसे पता भी चल रहा होगा कि ये बुक जो है स्पेशली अखबार पढ़ने के लिए है, ओके। और ये सारी की सारी पुस्तकें आपके इस किट में जो है अवेलेबल है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर इस किताब की आवश्यकता हो तो नीचे लिंक में नंबर दिया गया है, डायरेक्ट कॉल कीजिए, ऑल ओवर इंडिया आपको डिलीवरी दी जाएगी, ओके। बहरहाल अब घड़ी इशारा कर रही है, मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।